गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है सेकंड अध्याय, जिसके बारे में हमने मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की और नीति निर्देशक तत्व है उसके क्रियान्वयन के जो प्रमुख बिंदु है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उनके बारे में जो अपना अगला बिंदु है वो है पंचवर्षीय परियोजनाओं से संबंधित। किससे संबंधित है? पंचवर्षीय परियोजनाओं से संबंधित जो हमारा बिंदु है। अब आती है कि पंचवर्षीय परियोजनाएं होती क्या है। ध्यान रखना, ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाई जाती, ये बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख के जो परियोजनाएं बनाई जाती है, जो एक से अधिक वर्गों से जुड़ी हुई होती है, एक से अधिक कार्यों से जुड़ी होती है और जिससे बहुत सारे बेनिफिट एक साथ मिलते हैं, उनसे पंचवर्षीय परियोजना कहा जाता है। जब किसी परियोजना के द्वारा एक से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं और वो लाभ है किसी व्यक्ति विशेष से न जुड़ के समाज के प्रत्येक वर्ग से संबंधित होते हैं, समाज के प्रत्येक विभाग से संबंधित होते हैं, तो वो पंचवर्षीय योजनाएं कहलाती है। तो ध्यान रखना, बाकी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बताती है नियोजन की प्रक्रिया को अपनाना। नियोजन क्या है? नियोजन का अर्थ होता है कि वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसी रूपरेखा तैयार करना, ऐसे लक्ष्य तैयार करना कि भविष्य में उन लक्ष्यों की, उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। या नियोजन को हम भी ये भी कह सकते हैं कि सोच समझ के सही तरीके से जो कार्य किया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे नियोजन कहा जाता है। यानी किसी काम को हम कर रहे हैं उससे पहले उस कार्य से संबंधित संपूर्ण जो उसके तथ्य हैं, उसके भाग हैं, उनके बारे में संपूर्ण रूप से गहराई तरीके से जानकारी करना, सर्वेक्षण करना और भविष्य के लाभ को ध्यान में रखते हुए उन कार्यों की रूपरेखा जो तैयार की जाती है वो नियोजन के अंतर्गत प्रमुख रूप से आती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं भावी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जो कार्य किए जाते हैं उसे नियोजन कहा जा सकता है। बात आती है कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? कब हुआ था ध्यान रखना, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, जो प्रमुख रूप से पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित था। और पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई थी ये अपने स्वतंत्रता के बाद में प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखना, इस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुई थी स्वतंत्रता के बाद में, इन परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया था। बात आती है कि जो ये योजना आयोग है इसका परिवर्तित नाम क्या है? कई बार क्वेश्चन ये आता है ध्यान रखना कि योजना आयोग का जो परिवर्तित नाम है वो है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग के प्रमुख कौन है? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात आती है नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों किससे संबंधित है? प्रमुख रूप से योजनाओं से, परियोजनाओं से संबंधित है, जो देश से, राज्य से, समाज से जुड़ी हुई गतिविधियां उनसे। बात आती है कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो कब प्रारंभ हुई और कब पूर्ण हुई? पंचवर्षीय योजना का मतलब हो गया 5 वर्ष से संबंधित। कितने वर्ष से संबंधित है? 5 वर्ष से संबंधित। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका समय क्या था? 2012 से 2017 तक। और 12वीं पंचवर्षीय पूर्ण कब हुई? 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो पूर्ण हो गई। अब बात आती है कि वर्तमान में कौन सी परियोजना चल रही है, तो धारणा वर्तमान समय में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब आती है 13वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, तो ध्यान रखना 2017 से 2022 तक 13वीं पंचवर्षीय योजना का समय होता है। और पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या हो गया? 5 वर्ष से संबंधित। अब आती है ये योजनाएं हैं ये प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों से संबंधित होती है, इन योजनाओं का निर्माण क्यों किया जाता है और इन योजनाओं को प्रारंभ करने के पीछे क्या तथ्य है, क्या उद्देश्य है जिनके कारण इनका निर्माण किया गया, इनका बनाया जाता है। ध्यान रखना प्रमुख रूप से जो कृषि है, जल संसाधन है, पशु नस्ल में सुधार करना है, श्रम व्यवस्था करनी है, आवास उपलब्ध करवाने हैं, सुरक्षा उपलब्ध करवानी है, इनसे संबंधित एक प्रकार से समाज के प्रत्येक क्षेत्र को इन पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो चिकित्सा की व्यवस्था हो, आज हमारी वर्तमान में आवश्यकता क्या है और आज से 5 साल बाद में हमारी आवश्यकताएं कितनी बढ़ जाएगी, किन चीजों की हमें कितनी आवश्यकता पड़ेगी, किस चीज में कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रख के इन पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है। बात आती है कमजोर वर्गों का कल्याण। ये जो नीति तत्व हैं इनका प्रमुख उद्देश्य ये भी था कमजोर वर्ग का कल्याण करना। कल्याण यानी उनको लाभ पहुंचाना, उनका हित करना। अब बात आती है कमजोर वर्ग है कौन कौन से, ये ध्यान प्रमुख रूप से जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और पिछड़ा वर्ग है, इनको इन कमजोर वर्गों में शामिल किया गया है। यानी जो पूर्ण रूप से सुविधाओं से वंचित है
वह वर्ग जो सुविधाओं से वंचित है उन्हें हम कमजोर वर्ग कह सकते हैं। बात आती है जीवन स्तर में सुधार करना। ये जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जनजातियां हैं, या जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनको जीवन स्तर में क्या करना है, अपन को सुधार करना है। जो स्थिति उनकी पिछड़ी हुई है, जो समाज से काफी बैकवर्ड है, उनको समाज में समान रूप से अन्य लोगों के समान उनको आर्थिक स्तर पहुंचाना, उनके आवास की व्यवस्था करना, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करना, ये सब कार्य किए जा रहे हैं। बात आती है प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था। अब आती है प्रतिनिधि संस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो बात आती है लोकसभा है, अपने राज्यसभा है, अपने विधानसभा है, अपने विधान परिषद है, अपने नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, और स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत है। तो ध्यान रखना इन सब व्यवस्थाओं में क्या है कि जो ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आरक्षण यानी जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको भी इनमें समान रूप से पद मिलने चाहिए, जैसे अन्य जातियां हैं उनको मिलते हैं, उसी प्रकार इन अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों में क्या है कि इनमें पद मिले हुए हैं, स्थान निर्धारित किए गए, सीटें निर्धारित की गई है। बात आती है भाई कि जो 95वां संवैधानिक संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, तो 95वां संविधान संशोधन हुआ था 2010 में हुआ था। बात यह कि प्रमुख रूप से किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना ये प्रमुख रूप से आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित है जो इन पिछड़ी हुई जातियों को प्रदान किया गया है। बात आती है जनवरी 2020 तक आरक्षण को बढ़ाया गया। जब ये 95वां संवैधानिक संशोधन था इस समय आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो 2010 वर्ष तक थी, 2010 तक। बाद में इस आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ाया गया, जनवरी 2020 तक जो ये आरक्षण है इसको बढ़ा दिया गया था। अब आरक्षण की व्यवस्था ये नहीं कि जनवरी 2020 तक ही बढ़ाई गई है, आगे भी इस आरक्षण व्यवस्था को बना रहेगा ताकि ये जो क्षेत्र है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र है, जो अल्प है, जो संख्या में कम है, इन क्षेत्रों का समय समय के साथ समाज की समान धारा के साथ इनका विकास होता रहे, इनका हित होता रहे। बात आती है अस्पृश्यता निवारण का कठोर कानून। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, यानी एक जाति को अपनी जाति से निम्न समझना, उसको कमजोर समझना, उसको अपने समारोह में, अपने कार्यक्रमों में शामिल नहीं करना, उसको अछूत समझना। तो ऐसे जो ये कार्य किए जाते हैं इन कार्यों पर पूर्ण से प्रतिबंध लगाया गया है और कठोर नियम बनाए गए हैं ताकि ये अस्पृश्यता संबंधी जो विवाद है, समस्या, ये क्या हो सके, समाप्त हो सके पूर्ण रूप से। बात आती है स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण। तो स्थानीय संस्थाएं हैं, पंचायत है, अपने नगर पालिका है, नगर निगम है, इनमें महिलाओं के लिए सीटें निर्धारित की गई है। महिलाएं क्या है, प्रारंभ में जो महिलाओं का काम था वो प्रमुख रूप से घर की व्यवस्थाएं संभालना था, घर की व्यवस्थाओं की देख रेख करना था, बच्चों का पालन पोषण करना था, या घर से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है, अन्य मान लो खेतीबाड़ी करनी थी। लेकिन महिलाएं आज वर्तमान समय की बात करें तो क्या है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, न्याय के क्षेत्र में देख लो, या अन्य किसी भी क्षेत्र में बात कर लो, इंजीनियर हो, वकील हो, किसी भी क्षेत्र में वो महिलाएं हैं वो पुरुष के समान समान रूप से दिखाई दे रही है। तो क्या है कि जो स्थानीय संस्थाएं में है इसलिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया कि महिलाओं में जब योग्यता है तो उनको पुरुष से कम कैसे आंका जा सकता है, कम कैसे समझा जा सकता है, इस कारण उनको आरक्षण दिया गया है कि महिलाओं को भी इसमें 30% आरक्षण है कम से कम दिया जाएगा। और वर्तमान समय में धीरे धीरे ये व्यवस्था है वो बढ़ाई जा रही है और धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था आ जाएगी कि पुरुष और महिलाएं दोनों हैं प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से दिखाई देंगे। और समय ऐसा भी आ सकता है जब महिलाओं की जो संख्या है, प्रतिशत है, वो पुरुषों से ज़्यादा भी हो सकता है। बात आती है सामाजिक सुरक्षा की। सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है कि प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कंडीशन में, प्रत्येक क्षेत्र में रहने वालों की सामाजिक रूप से सुरक्षा होनी आवश्यक है। यानी वो किसी भी क्षेत्र में अगर पिछड़े हुए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो उनको क्या है कि सस्ते और कम दरों पे उनको ये आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाना। अब जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, वो तो अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध है, या जो अपंग है, वो क्या है अपनी सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते। तो उनके लिए सरकार है समय समय पर कुछ योजनाएं चलाती है, समय समय पर कार्यक्रमों का निर्माण करती है जिनसे इन वृद्धों का, इन अपंगता वाले स्तर बच्चों का, या मान लो जो अन्य क्षेत्र से महिलाओं से संबंधित है, उनका विकास धीरे धीरे होता रहे। तो बात करते हैं अपने वृद्धावस्था पेंशन योजना की। यानी जो व्यक्ति 60 साल से अधिक हो गया है और कुछ की उम्र है वो 80 से अधिक ऊपर हो गई है, तो उनको सरकार के द्वारा क्या है कि वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, जो महीने की
हो सकती है 500 रुपये भी, 1000 रुपये भी, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए इसकी जो योग्य निर्धारित की गई वृद्धावस्था पेंशन है वो धीरे धीरे आवश्यकता के आधार पर और समय की मांग के अनुसार आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे उन्हें क्या सुधार किया जा रहा है। तो वृद्धावस्था पेंशन है वो 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है वो पेंशन दी जा रही है। बात आती है स्वास्थ्य बीमा योजना। जो उच्च स्तर के वर्ग हैं, जो निम्न स्तर के वर्ग हैं, जो मध्यम स्तर के वर्ग हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरियां बनी हुई एक तरीके से। जो मध्यम वर्ग है और उच्च वर्ग है वो तो अपनी हर प्रकार की सुविधाएं हैं वो आराम से सुविधाजनक प्राप्त कर लेते हैं। जो निम्न पिछड़े वर्ग हैं वो अपनी इन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते और स्वास्थ्य उनका क्या है कि जब उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, अच्छा पर्यावरण नहीं मिलता, सही तरीके से कार्य नहीं मिलता तो क्या है समय समय से ग्रसित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या ऐसे स्थानों पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जहाँ उनका स्वास्थ्य की बिल्कुल भी देखभाल नहीं की जाती। तो इसके लिए क्या है कि स्वास्थ्य सेवाएं इनके लिए विस्तारित की गई है, स्वास्थ्य सेवाएं इनको उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो नरेगा योजना, राष्ट्रीय गारंटी योजना जो प्रारंभ की गई थी, ये प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 2005 में। इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को कम से कम प्रारंभ में जो व्यवस्था की गई थी कि 100 दिन तक रोजगार दिया जाएगा और धीरे धीरे समय की और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अगर इन दिनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, साल में उसको कम से कम 100 दिन रोजगार प्राप्त नहीं होता तो क्या है कि उसको भत्ता दिया जाता है, चाहे उसको काम नहीं मिला हो उस दौरान भी उसको भत्ता दिया जाना आवश्यक है। धीरे धीरे क्या है इसके दिनों की संख्या आवश्यकता अनुरूप बढ़ाई जा रही है। बात आती है बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जो क्षेत्र हैं, चाहे उद्योग के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बैंक के मामले में हो, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है बाद में उसका जब राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है यानी बड़े क्षेत्र में उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है कि उसकी सुविधाओं का लाभ कोई भी ले सकता है, उसका उपयोग कोई भी कर सकता है तो उसको राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। अब प्रमुख रूप से राष्ट्रीयकरण किन किन क्षेत्रों में हुआ उसके बारे में बातें करते हैं। बात आती है आर्थिक समानता। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब उद्देश्य होता है कि जो पिछड़े हुए राज्य हैं, पिछड़े हुए देश है, पिछड़े हुए शहर गांव हैं, उनको भी अन्य शहरों देशों राज्यों के समान उनका स्तर बनाना ताकि वो पिछड़े हुए नहीं रहे और दूसरे क्षेत्र हैं उनसे आपस में जुड़ जाए जिस कारण क्या है उनका साथ में विकास डेवलपमेंट होता रहे। बात आती है जीवन बीमा, परिवहन, कोयला, खान और पर्यटन। इन क्षेत्रों में भी राष्ट्रीयकरण हुआ है। एक देश से दूसरे देश में घूमने के लिए जाना, जो आवश्यकताएं हैं खान से संबंधित जो वस्तुएं निकलती है उनका आयात निर्यात करना और अन्य जो परिवहन के जो संसाधन, कई परिवहन के संसाधन अपने भारत में उपलब्ध नहीं होते, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता या उनकी प्रक्रिया चल रही है जबकि दूसरे देश में वो उपलब्ध है तो वहां से उनको परचेज करना, अपनी आवश्यकताओं पूरी करना। इस कारण क्या है जब राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो एक देश से दूसरा देश जुड़ जाता है और जुड़ने के कारण क्या अपनी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, लाभ उस देश को भी मिलता है जिसने वो निर्यात किया है और आयात किया, दोनों को इससे बेनिफिट मिलता है। प्रमुख है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो गया है। कुछ बैंक है जैसे विश्व बैंक है तो विश्व बैंक से कोई भी अपनी आवश्यकता के आधार पर किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एक देश का उस पर अधिकार नहीं है, समस्त देशों का समान रूप से अधिकार है और समस्त देश समय समय पर आवश्यकता के आधार पर विश्व बैंक से अपना सहयोग लेते हैं और जो आर्थिक समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। बात आती है वे न्यायालय व्यवस्था की। न्यायालय का प्रमुख कार्य होता है समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखना। अब न्याय व्यवस्था कैसी बनी रहेगी, किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि ये सामान्य जनता है, आम जनता है, वो भी इस सेवा से जुड़ जाए और सेवा से जुड़ के जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके और समाज में उनको न्याय मिल सकते, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है न्यायिक व्यवस्था में सुधार। यानी जो भारत की जो न्याय व्यवस्था है एक प्रकार से कहा जाए तो वो एक लंबी प्रक्रिया है न्याय की, जिसमें बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक धन का अपव्यय होता है और सही समय पर निर्णय नहीं आने के कारण बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से व्यक्ति विशेष को इसमें गुजरना पड़ता है। तो बात आती है सस्ता व शीघ्र न्याय। यानी न्याय है उसमें अधिक पैसे खर्च नहीं होना चाहिए, अधिक धन लगने के कारण क्या जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र है, वो क्या है कि उनके पास पैसों का अभाव होता है जिस कारण क्या है वो न्याय प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी बात आती है इसमें शीघ्र न्याय। न्याय की प्रक्रिया जो भारत में है उसमें सालों साल लग जाते हैं न्याय आने में, जिस कारण क्या है कि जिस स्थिति में न्याय मिलना चाहिए उस समय पर न्याय नहीं मिलता। कारण है कि न्यायालय का धीरे या मध्यम गति से या निम्न गति से अपने निर्णय देना,
या निर्णय को शीघ्र नहीं देना, ये जो प्रक्रिया है जिस कारण क्या है न्याय है वो सुलभ है और जल्द उपलब्ध नहीं होता, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है और सुधार किया भी जा रहा है। भारतीय लोक अदालतों की स्थापना, छोटे छोटे जो गाँव हैं शहर है उनमें स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी लोक अदालतों की स्थापना की जाए ताकि जो सामान्य विवाद है, जो निम्न विवाद है या जो सामान्य स्थिति में एक स्थान से जुड़े हुए विवाद हैं उनका स्थानीय स्तर पर समाधान हो जाए, उनको जिला स्तर पर नहीं जाना पड़े, उनको राज्य स्तर पर नहीं जाना पड़े, उनको केंद्र स्तर पर नहीं जाना पड़े, स्थानीय जो समाधान है उनका स्थानीय स्तर पर समाधान हो जाता है तो धन व समय की बचत होती है और न्याय भी क्या है कि शीघ्र मिल पाता है। लेकिन जब मान लो कि न्याय एक ही जगह उपलब्ध हो और न्याय को प्राप्त करने में बहुत सारे लोग हो तो न्याय में समय भी लगेगा, धन का अपव्यय भी होगा और जल्दी न्याय भी नहीं मिलेगा। बात आती है सम्मान न्याय, यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, न्याय वो सबको समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं कि जाति धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर न्याय उपलब्ध हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, न्याय है उसको समान रूप से सभी स्तरों में समान रूप से उपलब्ध करवाना भी क्या है प्रमुख कार्य है। बात आती है अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। भारत की जो शिक्षा की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर स्थिति आज़ादी के समय थी। आज़ादी के समय बहुत ही कम जनसंख्या है भारत की वो पढ़ी लिखी थी और वर्तमान स्थिति में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है और ये सुधार आगामी वर्षों में हमें और अधिक देखने को मिलता है और मिलेगा भी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है कि आज़ादी के समय भारत की जो शिक्षित जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो आज़ादी के समय जो जनसंख्या थी भारत की लगभग 33 करोड़ के आसपास थी, तो उस समय जो जनसंख्या शिक्षित थी वो लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित, तो ध्यान रखना जो 14% जनसंख्या है वो ही स्वतंत्रता के समय शिक्षित थी, यानी उस समय बात की जाए तो भारत में शिक्षा का स्तर था वो काफ़ी निम्न था, काफ़ी गिरा हुआ स्तर था। बात आती है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ध्यान रखना तो 86वां संविधान संशोधन है वो 2002 में हुआ था। किससे संबंधित है, प्रमुख रूप से शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, यानी जो बच्चों का जो प्राथमिक स्तर है या जो उनके अध्ययन की प्रमुख आयु है जिस समय उनका सर्वांगीण विकास होता है उस आयु को क्या है कि शिक्षा के तहत अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा में जोड़ा गया है। यानी इस आयु के जो बच्चे हैं उनको स्थानीय स्तर पे या जो आसपास के गांव शहर है उनमें उनको आवश्यकता के आधार पे विद्यालय की स्थापना की जा रही है, ज़्यादा दूर तक बच्चों को पैदल नहीं जाना पड़े, आसपास में छोटी कक्षाएं जो 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनका जो निर्माण किया जाए भवनों का या विद्यालय बनाए जाए वो 1-2 किलोमीटर के दायरे में हो, जो बड़ी कक्षाएं हैं उनके जो विद्यालय निर्माण है वो कम से कम 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए ताकि बच्चे हैं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, उनको शिक्षा उपलब्ध हो जाए। और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है कि माता पिता और संरक्षकों का भी ये दायित्व है कि अपने बच्चों को वो प्राथमिक शिक्षा है वो पूर्ण रूप से दिलाए और उनके सही उनके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। बात आती है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक पुरुष को शिक्षा के साथ जोड़ना, ताकि क्या है कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति का जो आर्थिक स्तर है, जो उसका स्वास्थ्य स्तर है, जो उसका मानसिक स्तर है, जो उसका व्यवहारिक स्तर है, जो उसका कौशल है, वो सब में सुधार होता है। इस कारण क्या है सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया ताकि प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति विशेष बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके, कोई भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहे। बात आती है मिड डे मील की। मिड डे मील प्रमुख रूप से ये भोजन व्यवस्था से संबंधित है। पहले क्या होता था और वर्तमान में कुछ स्थान पर देखने को मिलता है कि बच्चे जब सुबह विद्यालय में उपस्थित हो जाते हैं दोपहर के समय वो अपने घर चले जाते हैं खाना खाने के कारण, और वापस क्या है वापस वो विद्यालय में प्रवेश नहीं करते दोपहर के बाद में, तो उनको शिक्षा है वो सही तरीके से नहीं मिल पाती, तो उनको विद्यालय में रोकने के लिए जो व्यवस्था प्रारंभ की गई थी वो थी मिड डे मील, यानी उनको भोजन उपलब्ध करवाया दिया जाए ताकि बच्चे हैं जब अंतराल होता है तो उसमें घर न जाके विद्यालय में भोजन उनको मिल जाए और उनकी पढ़ाई का जो लगातार जो क्रम है अध्ययन है वो बना रहे। बात आती है संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था। प्रारंभ में हमने बात की थी कि मूल संविधान में अपने 7 मूल अधिकार बताए गए हैं, उसमें संपत्ति का अधिकार भी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों में शामिल, यानी संपत्ति का अधिकार है वो प्रारंभ में मूल अधिकारों में शामिल था, जिस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी 7 थी और जैसे मूल अधिकारों की संख्या 6 हुई तो उस समय इसको हटा दिया गया था। तो बात आती है कि 44वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, ध्यान रखना 44वां संविधान है वो 1978 में हुआ था, उसके द्वारा प्रमुख रूप से किस चीज़ ने परिवर्तन किया, ध्यान रखना
कि मूल अधिकारों में से किसको हटाया गया था, संपत्ति के अधिकार को उस समय मूल अधिकारों से हटा दिया गया था। तो मूल अधिकारों से हटाया गया तो संपत्ति के अधिकार को बाद में क्या बनाया गया, कहाँ शामिल किया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मूल अधिकार से हटाने के बाद में जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर जो उसकी संपत्ति है वो उसकी क्या है, कानूनी विरासत है, कानूनी उस पर अधिकार है, किसी अन्य का अधिकार न होके वो स्वयं की संपत्ति है। तो ये बात ध्यान रखना। बताती है समान कार्य हेतु समान वेतन, यानी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जब वो दोनों कार्य समान कर रहे हैं, मान लो दोनों डॉक्टर है और एक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो उसको उन कार्यों के लिए समान वेतन मिलेगा। ये नहीं कि पुरुष को वेतन ज़्यादा मिलेगा, महिलाओं को वेतन कम मिलेगा। बताती है इसमें वर्ग जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। जब व्यक्ति को कार्य मिलेगा और उसको वेतन मिलेगा तो उसकी धर्म है, उसकी जाति, उसके वर्ण, उसके लिंग, उसके मूल स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा। बात आती है स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। जब महिला है पुरुष है वो एक ही कार्य कर रहे हैं, एक ही उस कार्य में समय दे रहे हैं, एक स्थान से जुड़े हुए हैं, तो उनके कार्य में और उनके कार्य करने की क्षमता में जब समानता है तो उनके वेतन में भी असमानता न होके समानता होनी चाहिए। भारतीय पंथ निरपेक्ष राज्य की, भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें विभिन्न जातियों के, विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषा वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि भारत में पंथ निरपेक्षता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के मामले में पूर्णतः क्या प्रदान की गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है।